हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। कह रहा है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसमें 100 जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी जानते हैं, 50 इंग्लिश जानते हैं और 25 दोनों भाषा जानते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। कह रहा है हर स्टूडेंट या तो हिंदी या तो इंग्लिश जानते हैं। और देखो, और लगा हुआ है, ठीक है। तो और मतलब यूनियन। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई भाषा जानता है, मतलब इसमें यही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टूडेंट नो हिंदी। हिंदी वाले आपको दे रखे हैं कितने दिए हुए हैं, हिंदी वाले 100 दे रखे हैं, इंग्लिश वाले दे रखे हैं आपको 50, ठीक है। 25 नो बोथ, बोथ मतलब, तो वो इंटरसेक्शन हो गया, एच इंटरसेक्शन ई, और हर कोई मतलब ये कितना हो गया 25, और हर कोई कोई ना कोई भाषा जानता ही है, ठीक है। तो मतलब आपको ये एन एच यूनियन ई निकालना है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, अगर इसको वेन डायग्राम के टर्म में समझे तो ये मान लो वेन डायग्राम है, इसमें हिंदी और इंग्लिश, ये हिंदी वाले ये इंग्लिश वाले, ये हमारा दोनों भाषा वाले। तो कह रहे सारे बच्चे इसी के अंदर ही लाई करेंगे, तो यही निकालना है ना हमें, तभी तो लाई करेगा, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कोई भाषा नहीं बोलता। देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई एंड माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 माइनस 225, ओके। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 25, तो ये हो गया हमारा 120, मतलब टोटल हमारे पास 125 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर इसमें भी देखें तो देखो हिंदी वाले कितने थे, वेन डायग्राम की मदद से अगर करें तो 100 है, इंग्लिश वाले हमारे पास 50 है, जो कॉमन है वो 25 है। तो 100 में से 25 गया तो सिर्फ हिंदी वाले आ जाएंगे तो 75 बचे, 50 में से 25 गया तो सिर्फ इंग्लिश वाले आएंगे 25। अब इन तीनों को जोड़ दो, 75 और 25 100, 100 और 25 125।